हेलो जी, जय श्री राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी देखो अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और नाच रही हूँ यहाँ पे। पता है यहाँ पे ना डीजे पे गाने तो कुछ और लगे थे, तो मैंने वो नहीं डाले यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाना था। तो मुझे थोड़ी सी ये अलग से मुझे ये डालना पड़ा यहाँ से, यूट्यूब से ही लेके। तो पता कॉपीराइट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतनी मेहनत भी करनी है और बाद में फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, और सारी मेहनत जो है वो पानी में फिर जाती है। फिर तो यहाँ पे फिर हमारा डांस वांस हो रहा था, तो मुझे ना बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि डांस तो हमने इतना ज़्यादा किया था और वो गाने नहीं मैं मतलब डाल पाई इसमें। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ये सबने, मतलब जितनी भी हम सिस्टर थी, बाकी तो आई नहीं थी। उसके बाद फोटोशूट हुए, तो ये मैं हूँ, सीमा है, ये देखो नीतू है, और ये सारी की सारी सिस्टर जो थी भाभियाँ हैं यहाँ पे। तो ये ग्रे कलर का सूट डाला, ये भाभी है, रेड कलर का सूट डाला, ये भी एक भाभी है। तो सीमा, नीतू ये सिस्टर है मेरी, ये भाभी हैं, छवि भाभी। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, और यहाँ पे जी मैं पहुँच गई हूँ घर पे। और फिर ये अगले दिन की क्लिप है, तो मैं ना यहाँ पे ये बर्तन धो रही हूँ पूजा के। तो देखो पूजा के बर्तन जो है ना, वो मैं बताना था आपको पहले भी कि चलो सभी यूज़ करते होंगे, लेकिन जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ पीताम्बरी को ना, तो ये जो तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन होते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। तो यह मैं पूजा के बर्तन लगी थी साफ़ करने, तो फिर मैंने अंशु को बोला, मैंने कहा चल तू वीडियो बना दे, क्योंकि शेयर कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ कि देखो कितने साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी साफ़ करते करते एकदम से ध्यान आया कि वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ। तो देखो कितने कितने ज़्यादा चमक गए हैं इस पीताम्बरी से, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं ये बर्तन। ये देखो जोत भी पूरी काली हो चुकी थी ये। तो फिर जी उसके बाद लगे हमारे आलू के परांठे बनने, और हैवी होते हैं आलू के परांठे तो पता ही है, लेकिन हम अब जो है वो 1-2 हफ्ते के बाद ही इनको बनाते हैं, रोज़ नहीं बनाते हैं, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं उसके बाद ही कभी कभार बना लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम बना रहे थे, और चाय भी थी और दही भी था, जिसने दही लेना वो दही लेगा, चाय के साथ चाय लेंगे। मैं तो पहले दही के साथ खाऊंगी, साथ साथ में चाय भी पीऊंगी। बस जी ये परांठे हो गए तैयार, अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना, काम मेरा सारा ही हो चुका था, कपड़े वगैरह धुल चुके थे, पूजा वगैरह हो चुकी थी। तो बस अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सोच रही थी कि काम क्या करूँ, तो काम ज़्यादा कुछ था नहीं आज, तो मैंने सोचा अब परांठे खाए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने अंशु को बोला, मैंने कहा चल लकड़ियाँ वगैरह ले आते हैं उधर से, तो गए नहीं क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं फिर। चलिए जी आप भी कर लीजिए नाश्ता मेरे साथ। हाँ जी, काम वाम हमें कुछ दिखा नहीं, और हम चले गए यहाँ नीचे जाके, उतराई चढ़ाई चढ़ती है, उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। तो मैंने बोला कि चल यहाँ जाते हैं, अंशु को भी बोला, हम दोनों निकल गए। फिर ये देखो कितना जंगल है, हमें नीचे को भी जंगल है, कितना घना जंगल है, और ऊपर जब जो मतलब सड़क के पास है हमारे घर के, उस पार भी जंगल, इस पार भी जंगल, इस पार भी जंगल, मतलब बीच में हमारे घर हैं और चारों तरफ ये जंगल पड़ता है। तो देखो कितना घना जंगल है। हेलो जी, जय श्री राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं जी, अस्वस्थ हैं जी और खुश भी हैं। तो देखो अंशु को, इसको इसको धूप में दिख नहीं रहा है, इसकी आंखें छोटी छोटी हैं ना, धूप में ऐसी हो जाती हैं बंद, तो ऐसे ऐसे कर रही है आँखों को। और हमने खाए सुबह आलू के परांठे, तो बस कपड़े कुपड़े धोए और काम वाम था नहीं कुछ भी, तो लकड़ियाँ लानी थी जहाँ पे मैंने बताया आपको चीरी हुई है वहाँ पे जो बचे हैं, पर फिर थोड़ी सी बारिश हुई थी सुबह तो वो भीग गई, तो मैंने सोचा शाम को लाएंगे। तो अभी परांठे खाए थे तो काम वाम था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा नीचे तक जाते हैं, फिर चढ़ाई उतरते हैं, और चढ़ाई एक बार चढ़ते हैं तो पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, फिर जो खाया पिया होता है वो पच जाता है। तो अंशु को भी ले आई मैं। तो
बस चढ़ाई उतरी और चढ़ाई चढ़ी, अब जाएंगे हम मम्मी के पास, बातें शातें करेंगे, डैडी का हाल चाल पूछेंगे, फिर बस संडे का दिन है आज, मौज मस्ती करेंगे, सोएंगे पिएंगे, आज सोना भी कितना दिन है, पूरा दिन बस बेड पे बैठ बैठ के भी थक जाते हैं, तो आज देखते हैं कुछ नया होता है, तो जैसे भी नया होगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, राधे राधे। यहाँ पे आ गए थे मम्मी के पास क्योंकि आज जो है वो मदर डे भी है, मदर डे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मम्मी के पास बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, और डैडी भी ठीक हैं, मम्मी जी हमारे बिजी हैं फ़ोन पे इस टाइम, और ये डैडी जी बैठे हैं, देखो डैडी जी बिल्कुल ठीक हैं, और अब इनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और मम्मी जी फ़ोन कर रहे थे अपनी नंदों को और दीदी वगैरह को, दोनों दीदियों को, नौले हैं उनको, सबको बुला रहे थे। और तो फिर जी आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।